नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट मैराथन। ये हम लाते हैं आपको रोज़ सुबह 7 बजे से हमारा आता है मॉक टेस्ट और हम शनिवार और रविवार को लेकर आके आते हैं आपके लिए मॉक टेस्ट मैराथन। ये होती है हमारी क्लास 12 से 2 बजे। हम लोग यहाँ पे हाई क्वालिटी MCQs डिस्कस करते हैं आपके लिए, जो फ्रेम किए गए होते हैं इंडियन एक्सप्रेस, PIB, द हिंदू और हमारे जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इन सब से। दोस्तों जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा UPSC प्रीलिम्स के लिए। जो PDF है वो हम अपलोड कर देंगे आप टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी ID है @sumant, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जो आप देख रहे हैं, ये सारी बातें मेरे बारे में हैं, नाम पता से पता ही है आपको। जो टेलीग्राम चैनल है वो है @sumant, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी @sumant ही है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे मेरे PDFs और यहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ईमेल आईडी है @sumant@gmail.com। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग फट से जो कल के क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि हमारे जो बाकी दोस्त हैं जुड़ पाएँ आप सबसे, जो वीडियो का फ़ायदा है वो उठा पाएँ। ठीक है, वॉइस वगैरह सब कुछ सही है, बढ़िया क्लियर है, काफ़ी लोग हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं हमसे। करते क्या हैं, हमारा जो पहले कल का सवाल था ना उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कल का क्वेश्चन था उसको हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जो पहला सवाल था हमारा वो था कि जो संविधान सभा का जो आइडिया था पहली बार किन्होंने दिया था। पहली बार दिया था MN रॉय जी ने 1934 में, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। ध्यान सुनना, हमारे मॉक टेस्ट के वीडियो रोज सुबह 7 बजे आते हैं और मॉक टेस्ट मैराथन आपके लिए शनिवार और रविवार को केवल 12 से 2 के बीच में आता है। क्लियर है, ये काफ़ी पंक्चुअल होता है, 7 बजे से 1 मिनट ना आगे ना 1 मिनट पीछे, तो आपको लगातार यहाँ पे बने रहना है। देखो, ब्रिटिश ने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया था संविधान सभा का आइडिया 1940 में अगस्त ऑफर में। क्रिप्स प्रपोजल से काफ़ी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम लीग ने जो क्रिप्स प्रपोजल है दोस्तों, इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें पाकिस्तान ही चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल था संविधान सभा के बारे में, संविधान बनाने के अलावा उन्होंने और कौन कौन से काम किए। उन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय झंडा था उसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। जो रविंद्र प्रसाद जी हैं उनको उन्होंने राष्ट्रपति अपॉइंट किया और कॉमनवेल्थ का जो सदस्यता है भारत का उसको उन्होंने रेटिफाई किया। क्लियर है, अगला सवाल था जो अर्ली वैदिक एज है उसके बारे में, क्या महिलाओं की समाज में पोजीशन काफ़ी ऊंची थी। जी हाँ जी, बिल्कुल ऊंची थी। गर्ल्स को लड़कों के समान जो शिक्षा है वो दी जाती थी और महिलाएं जो थी वो अलाउड थी बोथ सभा और समिति को अटेंड करने के लिए। देखो ध्यान सुनना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कल आपको एक PDF दिया था, यहाँ पर देखो टेलीग्राम चैनल है, मैंने कल आपको एक PDF दिया था जो आपको पढ़ना था। यहाँ पे जो सारी बातें मैंने बताई थी आपको, जो अर्ली वैदिक एज है इसके बारे में, इसका जो प्रशासनिक डिवीजन था कैसा था, पॉपुलर असेंबलीज, सभा, समिति, सोसाइटी, फिर यहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था, क्लोथिंग, फूड, कास्ट सिस्टम, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, जितने भी डायमेंशन हो सकते थे सब हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं। जो ऋग वैदिक पीरियड है इसके बारे में PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने दिया है आज आपको एक सवाल जो मेंस है उसके लिए, 250 का आंसर लिखना है आपको। आपको फिर हम इसमें आंसर कैसे लिखना है ना, मतलब मॉडल आंसर, वो भी आपको हम यहाँ पर देंगे, तो उसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, उसको लिखिएगा। यहाँ पर तीनों बातें हैं जो सही हैं, क्लियर है। अच्छा काम करो, जो PDF है ना वो मैं यहाँ पर आपको दे ही देता हूँ। ये PDF है रिजर्वेशन वाला, यहाँ पर जो जिसमें जरूरत है ना, क्यों होना चाहिए, जो आरक्षण है कास्ट बेस्ड ही क्यों होना चाहिए, सब बातें मैंने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में मेंशन कर दी हैं। छोटा सा नोट्स है, बस 3 पेज का नोट्स है आपका, ये नोट जो है वो 3 पेज का है बस, आपको इसको फटाक से पढ़ लेना है। इसको मैं आपको चैनल पर डाल दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अगला मेरा सवाल था ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में, वो पेस्टोरिक पीपल थे,
उन्होंने जो आयरन है, लोहे है, लोहा है, उसका जो उन्होंने इस्तेमाल है वो करते थे, वो उससे अनअवेयर नहीं थे। गोल्ड कॉइन्स का नाम था निशका, इसका वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ पर सिस्टम होता था बार्टर का, और वहाँ पर जो वेल्थ होता था, जो है ना धन, धन को वो लोग मेजर करते थे पशुधन के रूप में, मतलब कैटल्स था ना, वो उनका मेन धर्म था। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था संविधान सभा का जो पहला असेंबली था, पहला मीटिंग था उसको। जो संविधान सभा का काम था वो आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है ना। और संविधान सभा था वो पूरी तरह सॉवरेन बॉडी था, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने ऐसा उसको ताकत दी थी कि वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कोई भी काउंसिल एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया किसी भी कानून को वो लोग हटा सकते थे हमारे संविधान सभा। क्लियर है। अगला सवाल है सांची स्तूप के बारे में। यहाँ पर दोनों बातें काफ़ी ब्रॉड थी, हमने कल सब डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं वीडियो जा करके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो हमारी पिछली जो सारी वीडियोस हैं मॉक टेस्ट की, सब बैठ करके देख डालिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर दोस्तों। तो ये बातें हमने कल डिस्कस करी थी, अब हम बढ़ते हैं आज अपने अगले नए सवालों की ओर। हमने आपके लिए लॉन्च किया है दो कोर्स स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। पहला कोर्स है साइंस एंड टेक का, दूसरा कोर्स है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। जिन दोस्तों ने अकेडमी को सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। साइंस एंड टेक की क्लास है आज शाम को 6 बजे से। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो 5G है हमारा, हमने पिछले वीडियो डिस्कस किया था वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में। यहाँ देखेंगे हम लोग जो एज कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, एज और क्लाउड में क्या अंतर होता है, जो हमारा 5G स्पेक्ट्रम, इसके बारे में सब बातें देखेंगे हम लोग विस्तार से। करंट हम लोग पूरा कवर करेंगे, स्टैटिक के वो टॉपिक जो संबंधित है करंट से वो भी हम लोग करेंगे। तो साइंस एंड टेक पूरा हो जाएगा आपका, एनवायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा इन दो कोर्सेज से, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अनअकैडमी, तो कूपन कोड है SNLIVE, इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे मेल भेजिएगा आपका, आपका है ना स्क्रीनशॉट जो आप ज्वाइन करेंगे उसको। हमारा जो पर्सनल ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी प्रैक्टिस करते हैं। फ़ी है पता है आपको, 12 महीने की फ़ी है 40,000 और आपकी 2 साल की फ़ी है 48,000। अगर आप कूपन कोड SNLIVE इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो मिलेगा। 40,000 हो जाएगा आपका 36 और 48 वाला हो जाएगा आपका 43 का। प्राइस डिफरेंस काफ़ी कम है, तो 2 साल लेने में फ़ायदा है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है, आपकी कौन सी इच्छा है। क्लियर है। चलिए अनअकैडमी का ऐप खोलिएगा, वहाँ पर सुमंत कुमार जाकर सर्च कीजिएगा, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे सारे लाइव क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला मेरा सवाल है जो लोकल स्टॉर्म्स हैं उनके बारे में और जो राज्य हैं उनके बारे में। बारदोली चीरा, ब्लॉसम शावर, काल बैसाखी। क्या बारदोली चीरा गुजरात में होता है, ब्लॉसम शावर कर्नाटका, काल बैसाखी बंगाल। 1, 2, 3 में से कौन सा सही है आपको बताना है ध्यान से, जल्दी से क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अरे वाह, मोहम्मद नजीम, सुभाष, हेलो आपको भी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? सिंपल सा जवाब है इसका, यहाँ पे जो बारदोली शीरा होता है ये बहता है आसाम में। ये लोकल स्टॉर्म है गर्मी के दिनों का। कब का? गर्मी के दिनों का बारदोली शीरा आसाम में। ये काफ़ी यूजफुल होता है चाय के लिए, चावल के लिए और जूट के लिए। पता है आपको, चाय और जो आपको जो चावल और जूट है दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं। तो ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं वो आसाम के उन एरिया में लगाए जाते हैं जो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में आते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर पानी खूब सारा मिलता है और वहाँ पर ये फसल काफ़ी अच्छी होती है। जो चाय का बगान होता है ना वो ढलानों पे होता है। यहाँ पर बारिश आपको चाहिए होती है अच्छी खासी, मगर यहाँ पे बारिश के अलावा जो ढलान है ना वो होना चाहिए ताकि पानी वहाँ पर जमे ना। ब्लॉसम शावर ये भी हॉट वेदर का है,
ठीक है ना, ये भी एक लोकल स्टॉर्म है और ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा काफ़ी सही है, दूसरा तीसरा सही है। बारदोली कहाँ का है जी? ये गुजरात का नहीं है, ये आसाम का है। क्लियर है? काल बैसाखी, बंगाल, ब्लॉसम सावर, कर्नाटका। क्या आंसर आ गया? सी टू एंड थ्री ओनली आर करेक्ट। ये आप जो देख रहे हैं ये अरावली माउंटेन है। क्या है ये? ये अरावली की पहाड़ियां हैं। ये अरावली आप देख रहे हैं सामने, जो काफी डिग्रेड हो गया है, ठीक है, बढ़िया। यहां पर सवाल मैंने फोटो क्यों दिखाया? क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करना है इस पर। एक गुरु शिखर पीक और जो बराक है, नोकरेक पीक है, ये कहां पे है? गुरु शिखर पीक, बराक, नोकरेक। क्या गुरु शिखर पीक अरावली में है, क्या बराक पटकई बम में है, क्या नोकरेक बैराल रेंज में है? वन टू थ्री में कौन से पेयर सही सही मैच हैं, आपको यहां पर ध्यान से बताना है। क्लियर है? देखो, जो गुरु शिखर पीक है वो राजस्थान में है। ये गुरु शिखर पीक अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? गुरु शिखर पीक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसको पहले नोट्स में लिख लो, पहला मेरा सही है, बाकी दोनों जो है वो गलत है। बराक कहाँ पे है? बराक बहराइल रेंज में है और जो नोकरेक है वो आपका गारो हिल रीजन में है। क्लियर है? नोकरेक जो है ना ये गारो हिल जो है ना कहाँ का? मेघालय का जो गारो हिल है उसका सबसे ऊंचा है। बराक बहराइल रेंज में है, तो आपका दो और तीन गलत हो गया। पहला गुरु शिखर अरावली का हाईएस्ट और आपका जो नोकरेक है ये गारो हिल का हाईएस्ट। पहला यहां पर केवल सही है, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? देखो यहां पे आपको सवाल, देखो ये तो मैंने सवाल कर लिया है वाला, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आए कोई जरूरी नहीं है। करते क्या है, रुक जाओ, फैन इसको ऑफ कर देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा शांति है अब, है ना, थोड़ा सा गर्मी सह लेंगे मगर साउंड अच्छा आना चाहिए। बढ़िया, देखो आपको देगा अरेंज करने के लिए यहां पर, क्या अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और जो आपके नीचे के पहाड़ियां हैं नीलगिरी, कार्डामोम हिल, इनको आपको कहेगा कि अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, नीलगिरी, कार्डामोम हिल को आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए या फिर उसको आप साउथ से नॉर्थ में आप अरेंज कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता, सबसे ऊपर है आपका अरावली, फिर आता है विंध्या, फिर आता है सतपुड़ा। विंध्या सतपुड़ा के बीच में बहती है आपकी ये नर्मदा नदी, ये है नर्मदा, ये है तापी नदी। क्लियर है? यहाँ पर है आपका ईस्टर्न घाट जो हाईली डिसकंटिन्यूअस है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये ईस्टर्न घाट को काटती हैं। देखो ये काफ़ी डिसकंटिन्यूअस है, नदियाँ इसे काट देती हैं, मगर जो वेस्टर्न घाट है ना ये हाईली कंटिन्यूअस हैं। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट की नदियाँ निकलती हैं वो बहती हैं पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी। जो बहती हैं पश्चिम की तरफ वो गिरती हैं अरावली में, जो बहती हैं पूरब की तरफ वो गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है? यहाँ पे एक सवाल और आपको पूछ सकता है यहाँ पर कि जो नदियाँ हैं उसको आप अरेंज कीजिए नॉर्थ से साउथ के रूप में। जो नदियाँ हैं ना यहाँ पर, महानदी, कावेरी, कृष्णा, वेगई, सभी नदियों को आपको अरेंज करने के लिए कहेगा नॉर्थ से साउथ के रूप में। आप अरेंज कर लेंगे क्या? ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, बढ़िया। देखो ध्यान से, महानदी ऊपर है, गोदावरी उसके नीचे, ताप्ती उसके, ध्यान सुनना, ताप्ती और तापी में यहाँ पर दोनों ध्यान से देखना। यहाँ पर है कावेरी नीचे में, कृष्णा उसके ऊपर में, कार्डमम हिल, आप सभी बातें यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरावली माउंटेन। क्लियर है? अच्छा, आपको अगर कहेगा कि सिंधु का जो सिंधु नदी सिस्टम है उसके जो आपके नदियां हैं इसको आप अरेंज कीजिए, सबसे ऊपर आएगा इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, है ना, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सभी सहायक नदियां हैं, सभी ट्रिब्यूटरी हैं इंडस सिंधु नदी की। सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है ज्योग्राफी से, जो भूकंपीय तरंगे हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, उन पर सवाल आपसे ये पूछा गया है। सवाल है, प्राइमरी वेव्स क्या ट्रांसवर्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सरफेस वेव क्या लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं।
प्राइमरी वेव्स क्या अनुप्रस्थ होती हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या अनुदैर्ध्य होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है आपको। बढ़िया, जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, सभी बातें हम लोग देखेंगे, ताकि कोई भी सवाल आए यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका वो सवाल छूटे ना। ठीक है, गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियां मेघालय में है, बीनू श्रीवास, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आंसर है इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे। जो लोग लेट से आए हैं, जो हमारे पिछले क्वेश्चन सबको देख लीजिएगा आप, सब तो ऑनलाइन ही है, क्या दिक्कत है, वीडियो पीछे करना, देख डालना सारा। बढ़िया, ठीक है, काफी टाइम मिल गया। बढ़िया, यहां पर जो प्राइमरी वेव है वो क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी वेव आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल, क्लियर है। जो सेकेंडरी है ट्रांसवर्स है, और जो सरफेस वेव है वो होते हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स। तो यहां पर केवल आपका तीसरा ही सही है, सरफेस वेव होता है लॉन्ग पीरियड वेव्स, लंबी अवधि की लहरें, तीसरा यहां पर सही है। पहला दूसरा यहां पे गलत है। पहले करते क्या है, पहले हम समझाते हैं आपको कि आखिर ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है। देखो, ट्रांसवर्स वेव जो होता है ना, वो होता है साइन वेव की तरह, कोसाइन वेव की तरह। यहाँ पर ये साइनोसोडियल होते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक पीरियड में चलता है, एक समय के बाद ये अपने आप को दोबारा रिपीट करता है। चल गया, दोबारा रिपीट किया इसने, दोबारा रिपीट किया इसने, समझ रही बात? तो देखो, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इसका वेवलेंथ। ये है एम्पलीट्यूड, ये है वेवलेंथ, लैम्डा हमारा होता है ना, वो होता है वेवलेंथ, ये होता है ट्रांसवर्स वेव। अगर आपका यहाँ पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बने, अगर यहाँ पर कंप्रेशन मतलब कि कंप्रेस हो और रेयर फ्रैक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो भी आपका साउंड वेव है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, लाइट वगैरह, लाइट है, ये सब है ना, ये सब आपके होते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है। अब देखो अंतर समझो, प्राइमरी वेव जो होता है वो ग्राउंड पे ट्रेवल करता है, ग्राउंड के भीतर ट्रेवल करता है, सेकेंडरी वेव ग्राउंड के भीतर। जब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव सरफेस पर आते हैं तो वो सरफेस से होकर ट्रेवल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सरफेस वेव। जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव सरफेस पर आता है तो वो सरफेस वेव बन जाता है। प्राइमरी वेव सबसे तेज होता है, सेकेंडरी उससे धीमा, सरफेस वेव उससे भी धीमा। जो प्राइमरी वेव है, चूंकि प्राइमरी है इसलिए ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से होकर के बह सकता है, ये सॉलिड और फ्लूइड दोनों से, ध्यान सुनना। प्राइमरी वेव जो होता है वो सॉलिड और फ्लूइड दोनों से होकर बहेगा। अब फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस दोनों, क्यों? क्योंकि फ्लूइड मतलब होता है जो फ्लो कर सके, क्लियर है। तो यहां पर तीनों आपके जो वेव है उसके बारे में समझा आपने, केवल तीसरा सही था यहां पे, बाकी पहला दूसरा गलत था, क्योंकि प्राइमरी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और जो सेकेंडरी वेव होती हैं ये होती हैं ट्रांसवर्स, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। पहला तो सही, दूसरा गलत है। मेरा आंसर क्या आ गया? बी थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये कौन सी मिट्टी है? यह मिट्टी कौन सी मिट्टी है बताना जरा। यह मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, यह ब्लैक सॉइल है। आप जहां पर मिट्टी देख रहे हैं वो है ब्लैक सॉइल। सवाल हमने दिया है आपको काली मिट्टी के बारे में ही। पहला स्टेटमेंट यह है, देयर अकर्स अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लॉटिंग एज दी सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स ड्यूरिंग वेट सीजन। क्या वेट सीजन के दौरान, ध्यान सुनना, क्या गीले मौसम में यहां पर वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण स्व जुताई होती है, मतलब कि सेल्फ प्लॉटिंग हो जाती है? क्या बात सही है। दूसरा, दीज सॉइल कंटेन पोटाश बट दे लैक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। क्या काली मिट्टी में पोटाश ज्यादा होता है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं होता? क्या इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं? सवाल आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सवाल आपका गलत ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है।
सवाल आसान है मगर लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं। समझ गए यहां पे? ठीक है, बढ़िया। ये काली मिट्टी ही है। बढ़िया दोस्तों, हमारा जो ये जो सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव है ना आकाश पंडित, जो हमारा सेकेंडरी वेव और जो हमारा प्राइमरी वेव है उसका जो शैडो जोन होता है, शैडो जोन को हम लोग कवर कर देंगे। अभी आगे क्वेश्चंस आएगा ना उसमें, चिंता मत कीजिए यहां पे। ठीक है, तो यहां पर दोनों बातें सही हैं। ये जो मिट्टी होती है यहां पर पोटास मिलता है, ठीक है, मगर यहां पर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में पोटास तो ज्यादा मिलता है मगर नाइट्रोजन कम होता है और फॉस्फोरस कम होता है। सेकंड सही है। इस मिट्टी को हम लोग रेगुर भी कहते हैं। थर्ड भी सही है। आपने जल्दीबाजी में पहले को सही कर दिया होगा, ये सोच के कि वहां पर सेल्फ प्लॉटिंग तो होती है, वाइट क्रैक भी बनते हैं, मगर वो यहां पर बरसात में नहीं बनता, ये गर्मी में बनता है। कब बनता है? गर्मी में, जब बरसात आती है, जब नमी आती है मिट्टी में, तो मिट्टी ये जो है ना चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, ठीक है। मगर जब गर्मी होती है तो यहां पर मिट्टी कंप्रेस होता है, वाइड क्रैक्स बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं सेल्फ प्लॉटिंग। पहला मेरा गलत है क्योंकि ये वेट सीजन में नहीं होता, ये गर्मी में होता है। बी इज द टू एंड थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फूल जाता है, स्टिकी बन जाता है वेट होने पर और श्रिंक करता है सूखने पर। इस मिट्टी में लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एलुमिना काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, पोटास भी होता है, मगर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इसमें काफी कम होता है। क्लियर है? ये जो दिख रहे हैं ये आपकी काली मिट्टी है, अच्छी खासी उपजाऊ होती है अगर इसमें हम लोग अच्छा खासा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट है अगर हम इसमें हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाल दें तो काफी अच्छी मिट्टी हो जाती है वाली। यहां पर मेनली ये कपास के रूप में इस्तेमाल होता है, कपास उपजाने के लिए। बढ़िया, अगला सवाल है। हमारे पास कई सारे मौसम होते हैं भारत में, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटोमन, मानसून, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़, मानसून। यहां पर ये पांचों जो हमारे मौसम होते हैं, सीजन होता है, इसमें हम किन्हें एक वीकर सीजन कहते हैं, किन्हें हम लोग एक कमजोर मौसम के रूप में मानते हैं? बढ़िया, ठीक है। हां आकाश, उसमें आयरन भी होता है। बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के करीब करीब अधिकांश मिट्टी में एनपीके, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए हमारे यहां एनपीके फर्टिलाइजर की काफी ज्यादा सेल होती है। बिल्कुल, स्टेटमेंट सही से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। बढ़िया, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में जिन लोगों ने भी डी लगाया था, जाओ पानी मुंह से धोकर के आओ, मतलब मुंह को पानी से धोकर के आओ, ठीक है, जल्दी से आप वीडियो को पता क्या करेंगे, ठीक है ना। क्या आंसर बताना जल्दी से इसको, कौन सा मौसम हमारे कमजोर मौसम है? स्प्रिंग और ऑटम। यहां पे वसंत और पतझड़, ये दोनों मौसम हमारे जो हैं वो कमजोर मौसम है। थ्री एंड फोर आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कमजोर मौसम है? क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन होता है ना, इनका जो ड्यूरेशन होता है वो तीन सप्ताह से छह सप्ताह के बीच में हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो अप्रोचिंग सीजन है और जो रिसीडिंग सीजन है उस पर। देखो, सर्दी जो आपका स्प्रिंग है, वसंत है, मतलब कि वसंत और स्प्रिंग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, वसंत पतझड़ के जो हमारा सीजन है ना, वहाँ पर आगे पीछे कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो उसका जो है ना रोशन कम हो जाएगा। तो ये तीन सप्ताह से छः के बीच में हो सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वीकर सीजन। समर, विंटर, मानसून, ये हमारे हैं स्ट्रांग सीजन भारत में। अच्छा, भारत में इतने सीजन क्यों होते हैं? भारत में हमारे पास सीजन इतने सारे क्यों हैं? पता है आपको कि भारत जो होता है
इसके यहाँ पर से पार होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बताना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से पास होता है, पता है आपको? चूंकि भारत के यहां से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो भारत का कुछ पार्ट ट्रॉपिक जोन में भी आता है, कुछ पार्ट टेम्परेट जोन में भी आता है, ठीक है। साउथ इंडिया में, हमारा जो साउथ इंडिया है वहां पर सीजन बहुत ही कम वैरी करते हैं, इसीलिए जो आपके ट्रॉपिकल क्रॉप है, ध्यान सुनना, जो ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप को आप साल में तीनों बार लगा सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ में समस्या हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल चावल, चावल को आप साउथ में तीनों सीजन लगा सकते हैं, वहां पर चावल को आप सालों भर उगा सकते हैं, हमारे यहां मानसून का वेट करना पड़ता है नॉर्थ इंडिया में। क्लियर दोस्तों? हाँ, ये बातें हैं। आज जो हमारी क्लास है शाम को 6 बजे से साइंस एंड टेक की, वहां पर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, 5G नेटवर्क्स एंड 5G स्पेक्ट्रम, ठीक है। 5G करेंगे हम लोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, इसका इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर में क्या हो सकता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें क्या हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से वो हमारे सुपर कंप्यूटर से बेहतर हैं और क्या अंतर है दोनों में, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, डाटा लोकलाइजेशन, यहाँ पर जो RBI का जो सर्कुलर था उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, डाटा प्रोटेक्शन बिल, 3D प्रिंटिंग, 3D तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, जो नया वाला 4D प्रिंटिंग आया है इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, बायोमेट्रिक्स, RFID, NFC, आपका फ़ोन जो है ना उसका नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए, आपको वहाँ पर NFC लिखा हुआ दिखेगा, नियर फील्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा CEI है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडेक्स, उसके बारे में, फिर ब्रॉडबैंड रेडनेस इंडेक्स हम लोग इसको हम कवर करेंगे। ये सारी बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करेंगे आज, इनके अलावा काफ़ी सारी और बातें हैं जो हम देखेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं IT एंड कंप्यूटर्स का टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं अभी IT एंड कंप्यूटर्स का टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्वांटम स्पिन लिक्विड है, इन सब के बारे में, मेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली ये जो कंटेंट है ये मैंने बना के दिया था फोरम IS को, उसका जो आप देखते हैं ना उसका आता है ना मेंस का स्टडी मटेरियल, ये सब उसको मैंने बना के दिया था, PSLV का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब उसका मैंने दिया था, तो उसका जो कंटेंट देखा ना काफ़ी मैच करेगा इससे, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सब बातें मैंने सब वहाँ पर पढ़ाई थी चाणक्या में और फोरम IS में वहाँ पे, ठीक है। तो सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, हमारा ये जो कोर्स है साइंस एंड टेक का उसको, अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप SN लाइव कोड यूज़ करके उसको कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं कोर्स, यहाँ पर कोड पता है आपको। अगर आपने एनरोल कर रखा है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट आपका पूरा का पूरा हम लोग कवर कराएंगे। अगला सवाल है शिव मंदिर के बारे में, ये जो तीनों हैं इनमें से कौन कौन सा शिव मंदिर है, चिदम्बरम, तंजमवौर, गंगई कोंड चोलपुरम, क्लियर है। यहाँ पर कौन कौन सा है जो आपका एक शिव मंदिर है, चिदम्बरम, तंजमवौर, गंगई कोंड चोलपुरम, 1, 2, 3 में कौन सी बातें क्लियर है, मतलब यहाँ पर शिव मंदिर है, बढ़िया। कोयल सुबह बोलती है ना हमारे यहाँ, जैसे कि पूरा जो एरिया है यहाँ पे, मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो हम मतलब जो होता है ना कबूतर कोयल हमारे काफ़ी ज़्यादा होती हैं इधर, तो सुबह सुबह आवाज़ आती है बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, 7 बजे क्लास आती है ना हमारी मॉक टेस्ट वाली, वहाँ पर आइएगा, आपको सुनाएंगे कोयल की आवाज़, मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर देखो चिदम्बरम, तंजमवौर और जो आपका गंगई कोंड चोलपुरम है, ये तीनों अपने शिव मंदिरों के लिए फेमस है, तीनों के तीनों अपने जो शिव मंदिर है ना उनके लिए फेमस है। सी यहां पर सही आंसर है, क्या है सर? सी जो है यहां पर सही आंसर है, ये सभी जो चोला वंश के शासक हैं उनके द्वारा बनवाए गए थे, क्लियर है। यहां पर 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से। अगला मेरा सवाल है, इनमें से कौन कौन से जगह संबंधित हैं गुरु नानक से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया। मैंने सवाल क्यों दिया ये वाला, क्योंकि अभी आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है
ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब आपको पता है कि चूंकि करतारपुर काफ़ी न्यूज़ में है तो यूपीएससी उस पर सवाल तो पूछने से रहा, उसको पता है कि सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, वो लोग पूछ सकता है करतारपुर से जो हमारे जो नानक जी हैं ना इनके बारे में। नानक जी नहीं, जो आपका गुरु लंगर है उसको उन्होंने शुरू किया था। एक बात ध्यान सुनना, हमने जो कोर्स है, हमने बताया ना साइंस एंड टेक का कोर्स और आपका जो हमारा कोर्स है, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के अलावा इसके पहले अभी हमने एक कोर्स कंप्लीट किया है आर्ट एंड कल्चर का। एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर, तीनों को हमने एक ही कोर्स में पूरा कंप्लीट किया है। इसमें करीब 20 से ऊपर लेसन्स हैं, उसको देखिएगा। यहाँ पर हमने जो भी टॉपिक न्यूज़ में थे आर्ट एंड कल्चर के, एंशियंट के, मेडिवल के, सबको हमने कवर कर दिया है वहाँ पर, चाहे वो दारा शिको हो, चाहे वो आपके गुरु नानक जी हो, सभी बातें, सभी गुरु को हमने कवर किया है। नानक, अंगद, गौरव गोविंद सिंह, उनके बाद जो हमारे ग्रंथ साहिब बने थे, सबको कवर किया है और सबका योगदान क्या क्या था वो सब बातें हमने वहां पर डिस्कस की थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो जो गुरु नानक जी थे वो संबंधित थे इन चारों जगह से। भारत पता ही आपको, जो पाकिस्तान है ननकाना साहब पाकिस्तान में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। भारत में तो वो रहे ही, 1, 2 सही है। श्रीलंका सदरे वो घूमने गए थे, वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था। तो 1, 2, 3, 4 डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे जो स्थल हैं वो संबंधित हैं गुरु नानक जी से। अगला सवाल है, सवाल आपका इकोनॉमी का है, जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। 1, 2, 3 में कौन जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं आपको ध्यान से बताना है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे, बैठ के केवल कथा नहीं सुनना है श्री रामचंद्र जी की। सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, वरना सब भूल जाओगे, कुछ तुमको याद नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का ऐसे बैठ करके केवल। ठीक है, पता है आपको हमारे यहाँ 8 जो है वो 8 ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप यहाँ से बोरो कर सकते हैं। मतलब मान लो कि आपको चाहिए पैसा 1 दिन के लिए, 3 दिन, 7 दिन के लिए चाहिए पैसा, 91 दिन का पैसा चाहिए आपको, तो आप मनी मार्केट का रुख कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, आपके पास बॉन्ड मार्केट है। ध्यान सुनना, मनी मार्केट, कोई कोलेटरल, डेब्ट मार्केट, यहाँ पर बॉन्ड वगैरह इशू किए जाते हैं। फिर आपका आता है इक्विटी मार्केट। क्या आता है यहाँ पर आपका आता है इक्विटी मार्केट, मतलब हमारा शेयर मार्केट। इक्विटी मार्केट में आप लंबे समय तक के लिए जो पैसा है जुगाड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई कंपनी है, अभी आईआरसीटीसी नाम सुना होगा आपने, रेलवे वाला, ये केटरिंग सर्विस करता है, देता है। तो इसका अभी हाल में ही आईपीओ को इशू किया गया था। क्या किया गया था? जो आईपीओ है इसको इशू किया गया था। अब ध्यान सुनना, क्या होता है आईपीओ, क्या होता है, कहाँ है कलर, हाँ देखो, मान लो कि कोई आपका प्राइवेट कंपनी है। क्या है? कोई आपका प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को ज़रूरत पड़ी पैसों की। ठीक है, उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं, या तो वो जाएगा मनी मार्केट में पैसा लेकर के आएगा उधार, या तो वो जाएगा बैंक के पास, जो लोन है वो लेकर के आएगा, कर्ज जो है वो लेकर के आएगा। मान लो कि बैंक ने उसको कर्ज नहीं दिया तो क्या करेगा, वो जो बॉन्ड है वो जारी करेगा। अब बॉन्ड खरीदेगा कौन? बॉन्ड खरीदेगा जनता। बॉन्ड कब खरीदेगा जनता? जब इस कंपनी का जो बॉन्ड का जो रेटिंग है काफ़ी अच्छा हो, इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है। ध्यान सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना यहां पर, अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो तो इसको ब्याज कम ऑफर करना पड़ेगा, अगर इसका रेटिंग खराब हो तो इसको ब्याज ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेटिंग अच्छा हो तो ब्याज ये कम ऑफर करेगा, अगर इसका रेटिंग खराब हो तो ब्याज ये ज़्यादा ऑफर करेगा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। गवर्नमेंट बॉन्ड की रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये एक सोवरेन बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट कर सकता है क्या? नहीं, पैसा छाप के आपको दे देगा।
तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है ना उस पर ब्याज काफ़ी कम मिलता है आपको। अगला हमारा होता है कि आप अपना कंपनी का जो हिस्सेदारी है ना वो दे दीजिए, आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कीजिए, मतलब कि अपनी कंपनी का जो हिस्सेदारी है थोड़ा सा पब्लिक को दे दीजिए। आईपीओ को इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, किसमें? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ को इशू किया जाता है। आईपीओ को इशू करने के बाद इस शेयर की ट्रेडिंग होती है, क्या होता है? ट्रेडिंग होती है किसमें? सेकेंडरी मार्केट में। ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। हमारा जो एनएससी है, बीएससी है, ये सारे आपके क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये आपके सेकेंडरी मार्केट हैं। क्लियर है? प्राइमरी में आपका जो आईपीओ है वो जारी होता है, आईपीओ एक ही बार जारी होता है किसी कंपनी का, उसके बाद आप वहां पर अलग अलग प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह इशू कर सकते हैं। क्लियर है? समझे कैसे जुगाड़ते हैं पैसा? मनी मार्केट, बैंक, बॉन्ड या फिर आप शेयर जारी कीजिए, इस तरह से पैसा जो है ना इसका। अरे चला गया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर थोड़ा पीछे कीजिएगा, वीडियो हल्का सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वो इस पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? वैसे ही स्क्रीन, मतलब वो ब्लैंक स्क्रीन था, ठीक है? चलिए, तो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर आपका तीनों का तीनों ट्रेजरी, ये पीला हो गया, रुक जाओ, जो आपका ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, कौन से पेपर है ना, तीनों का तीनों आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। 1, 2, 3, D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। मैंने क्या बताया था, 8 होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, 8 होते हैं, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, रिपोज एंड रिवर्स रिपोज, ये सारे हमारे हैं, ठीक है? फिर हमारा 8वां है बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? ये सारे आपके जो है वो क्या है, सारे आपके हैं मनी, आपके हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइज्ड वाले। क्लियर है? देखो मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में क्या अंतर होता है, मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है आपके लिए, ध्यान से बस सुनते चलना। जो मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म फंड में डील करता है, या आपको एक साल तक लोन चाहिए होगा ना, अगर आपको पैसे की जरूरत है एक साल के भीतर लौटा देना है आपको उसको, तो आप मनी मार्केट का रुख कीजिएगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है एक साल से ज़्यादा समय के लिए, आप कैपिटल मार्केट का रुख करेंगे, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म फंड जो है ना वो मिलेगा। जो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं कौन कौन से हैं, RBI, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जिसको हम लोग शैडो बैंक, ध्यान सुना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हम लोग शैडो बैंक भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, मगर ये बहुत सारे काम बैंकिंग वाले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपसे डिपॉजिट ले सकते हैं, NBFC भी डिपॉजिट ले सकता है, मगर उसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट टेकिंग NBFC। क्लियर है? हाँ, जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, हम लोग खुदरा इन्वेस्टर्स, मतलब जनरल पब्लिक। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के वो होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। जो आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर। जो आपका प्रेफरेंशियल शेयर है ना वो कंपनी इशू करता है, वहाँ पर किसी खास को वो प्रेफर करता है, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हम जो नया शेयर इशू करेंगे वो केवल हमारे अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको मिलेगा। मान लो कि रिलायंस ने कुछ नए शेयर इशू किए, अब जो लोग रिलायंस के एम्प्लॉई हैं उनको वो शेयर पहले ऑफर किया जाएगा, बच्चा तुम लेना चाहते हो शेयर? हाँ लेंगे सर, उनको शेयर मैंने दे दिया, बाकी जो शेयर बच गया तब मैं पब्लिक को ऑफर करूँगा। क्लियर है? तो यहां पर ये सारी बातें हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। क्या होता है ड्यूरेशन, पता है आपको, मैक्सिमम एक साल का, कैपिटल वाला एक साल से ज्यादा का होता है वहां पर। लिक्विडिटी हाईली लिक्विड है, बॉन्ड लेस लिक्विड है, क्योंकि आपके स्टॉक्स बॉन्ड को काफी कम लोग खरीदेंगे अगर उसे क्वालिटी अच्छी ना रही तो। रिस्क मनी मार्केट में काफी कम होता है, कैपिटल में काफी ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है? चूंकि रिस्क कम है मनी मार्केट में तो जो रिटर्न होता है वो लेस होता है,
कैपिटल मार्केट में चूंकि रिस्क ज्यादा होता है इसलिए वहां पर रिटर्न ज्यादा होता है, मुनाफा ज्यादा होता है। पढ़ने में मजा आया? आपका जो मनी मार्केट है, आपका जो कैपिटल मार्केट है, इसमें आपने अंतर समझ लिया पूरा? आपका ये दो टॉपिक कवर हो गया। अगर सवाल आता है इससे बाहर नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? जो टेलीग्राम चैनल है ना एड सुमंत, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी मैंने दो पीडीएफ शेयर किया है, एक हमारा है ना ऋग्वेदा वाला और दूसरा पीडीएफ मैंने शेयर किया है रिजर्वेशन वाला। ये काम देगा आपको GS1 सोसाइटी में और GS2 वाले में, जो हमारे अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट जो भी किया गया संविधान में, वो वाला EWS वाला जो इशू था वो कवर किया गया है। फिर ये अब काम देगा आपको ASA में भी, इसको पढ़ लीजिएगा। ये 3 पेज का है, ये भी 3 पेज का है, छोटा छोटा सा पीडीएफ है ना, ज़्यादा लंबा किया नहीं है मैंने, क्योंकि आपको पढ़ के बस रिवाइज करना है इसको फटाफट। अगला सवाल है आपका है ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में। अभी मैंने जो सवाल दिया आपको ये वाला, तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ट्रेजरी बिल क्या होता है ना, तो हमने आपको अगले क्वेश्चन में इसको भी कवर कर दिया है। ट्रेजरी बिल और जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है? लोन कैन बी अवेल्ड थ्रू बोथ बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स डिस्क्रेशन। क्या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, क्या दोनों को इशू करके गवर्नमेंट लोन इकट्ठा कर सकती है, लोन जुगाड़ सकती है? दूसरा, जो लिक्विडिटी पीरियड है, क्या दोनों का सेम है, क्या दोनों का लिक्विडिटी पीरियड बराबर है? फंडामेंटल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से आराम से। बढ़िया, बीपीएससी बिहार इकोनॉमिक्स करा दो प्लीज सर। कैसे, कितना कराऊंगा, यूपीएससी का पूरा हो जाए ना। बिल्कुल, लिक्विडिटी ज्यादा, रिस्क कम, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, चूंकि रिस्क कम होता है इसलिए वहां पर आपको इंटरेस्ट, वहां पर आप जो मुनाफा भी आपको कम मिलता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए समझ गए। कितने लोगों ने सही किया? सही हुआ है पवनीत कौर का, बढ़िया, पवनीत कौर सही किया है अपने। और बस ए क्यों लगा रहे हो यार? ध्यान से, आपका जो स्टेटमेंट है कह रहा है क्या दोनों के जरिए सरकार लोन इशू कर सकता, लोन उठा सकता है अपने डिस्क्रेशन पर। दोनों बातें चेक करनी है आपको। यहां पर जो डिस्क्रेशन है वो नहीं होता। ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। ये 364 दिन तक के लिए जो पैसा है ना उसका इंतजाम करवा देता है। जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मैच्योरिटी 91 दिन के लिए ही होती है। चूंकि दोनों की लिक्विडिटी टाइम कम, जैसे कि अंतर है, तो मेरा यहां पर जो 2 है वो कट गया। पीरियड दोनों का सेम है क्या? नहीं, एक का है 364 दिन, दूसरे का है 91 दिन, दोनों का अलग अलग है ना, तो मेरा यहां पर तो चला गया। अगला देखो, जो एग्जिस्टिंग ट्रेजरी बिल है दे सर्व द सेम पर्पस बट दे वेयर पुट अंडर द वेज एंड मींस एडवांसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997। दे डिड नॉट रिमेन डिस्क्रिशनरी रूट फॉर गवर्नमेंट। वो मनमौजी का रूट नहीं है यहां पर आपका, इसीलिए पहला गलत हो गया, इट इज नॉट ऑन इट्स डिस्क्रेशन, पहला गलत। दूसरा गलत डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। अगला सवाल है, जो भारत की इकोनॉमी है उसके एक्सटर्नल सेक्टर में कौन कौन आते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
इम्पोर्ट एक्सटर्नल डेब्ट। 1, 2, 3, 4 में कौन कौन सा आपका आता है इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर में? क्लियर है? गलत हो गया, मैंने तभी तो टाइम दिया था आपको, इतना टाइम मैंने क्यों दिया था आपको? आपको अभी तक किसी क्वेश्चन में टाइम मिला इतनी देर? नहीं मिला ना, ठीक है। ध्यान सुनना, एक्सटर्नल सेक्टर का मेन आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पढ़ना है आपको। इसमें होते हैं, पहला होता है आपका करेंट अकाउंट, दूसरा आपका होता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता है एरर एंड ओमिशन। ऐसे तीसरा एक फाइनेंशियल अकाउंट भी होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, याद है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, है ना? इसमें एक होता है आपका एरर एंड ओमिशन भी। तो आपका पहला जो है तो सही हो गया। करंट अकाउंट में जो भी आपका ट्रेड होगा, ध्यान सुनना, जो भी आपका ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, सारा हम यहां पर कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपके इनविजिबल्स हैं, मान लो कि एनआरआई लोगों ने अपना जो गिफ्ट है भेजा अपनी फैमिली को, उन्होंने जो रिमिटेंस है वो दिया है अपनी फैमिली को, सारा आपका कैपिटल अकाउंट में। ध्यान सुनना, अगर एनआरआई लोगों ने अपने घर में पैसा भेजा है, अगर वो रिमिटेंस है, तो वो आएगा करंट अकाउंट के भीतर। मगर एनआरआई लोगों ने अगर पैसा अपना डिपॉजिट किया है बैंक में, तो ये आपका आएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। बहुत ही भयंकर अंतर है, आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल गलती होगा तो आपको मेरी याद बहुत जोर से आएगी, उस समय सर ने बताया था हमने गलत किया था, एकदम सिर पीटने का मन करेगा आपका। क्लियर है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सारा आपका एक्सटर्नल सेक्टर का है। एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी एग्जाम्पल है कैपिटल अकाउंट का ही। आपका 3, 4 सही है। क्या आंसर आया जी? डी, 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए, ये बातें हो गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अच्छा कैपिटल के भीतर क्या आएगा आपका? आपका आएगा FDI, FII, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, NRI साहब के डिपॉजिट, ठीक है। करंट में आपका आएगा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ठीक है, फॉरेन एड, फिर रिमिटेंस। ध्यान से देख लो, पूछ देगा सवाल, रह जाओगे ऐसे ही मुंह लटकाए। ध्यान से कौन से अकाउंट में क्या क्या आता है, ध्यान से यहां पर देख लीजिए, कोई गलती ना हो आपसे वहां पर। एनआरआई के द्वारा दिया गया रिमिटेंस, ये सारा आपका आएगा करंट में, डिपॉजिट आपका आएगा कैपिटल वाले में। क्या आंसर आया जी? अगला सवाल है गेहूं की फसल के बारे में, क्या ये टेम्परेट रीजन का फसल है? अस, अमन, बोरो, क्या ये तीन वैरायटीज हैं गेहूं की? क्या ये खरीफ क्रॉप है? गेहूं के बारे में कहा गया है क्या ये एक खरीफ फसल है, क्या ये टेम्परेट रीजन का क्रॉप है, क्या अस, अमन, बोरो इसके अलग अलग वैरायटीज हैं? प्रकाश राठौड़, थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन यार। क्लियर है? इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बढ़िया। यहां पे एक बात देखो, जो आपका वीट है, वीट आपका खरीफ है कि राबी है? गेहूं जो है वो आपका राबी फसल है। एक आता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, याद है आपको? वेस्टर्न डिस्टरबेंस याद है आपको? भूमध्य सागर से आता है, वेस्टरलाइज, जो वेस्टरलाइज है उसको उड़ाते हुए लेके आता है, ट्रॉपिकल जो हमारा जेट है ना, टेम्परेचर जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो उसको उड़ाते हुए लाता है मेडिटेरेनियन सी से, और जो वेस्ट एशिया के वाटर बॉडीज हैं वहां से वो नमी लेते हुए आता है। ये सर्दी में बारिश कराता है, क्या कराता है? भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है
यहां पर सर्दी में बारिश कराता है, कौन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये जो होता है ये गेहूं के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि सर्दी में बारिश होती है और गेहूं एक राबी क्रॉप है, ना कि खरीफ। आपका तीसरा गलत हो गया, ठीक है, समझे कैसे किया एलिमिनेट? अगर आपने तीन को काट दिया तो आपका यहां पर बी सी डी चला गया, बी सी डी गोल हो गया, कटम कुटम। वन वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपका अस अमन बोरो है वो किसका फसल है जी? ये गेहूं का नहीं है, ये धान की फसल है, अस अमन और बोरो, ये धान की फसल है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल के किसान जो है ना वो धान को साल में तीन बार उगाते हैं, इसलिए वहां पर ये स्टेपल फूड है, मछली भात वहां पर स्टेपल फूड है, ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है। और ये इसके लिए आपको चाहिए होता है मॉडरेट रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, जो मिट्टी हो जलोढ़ मिट्टी हो, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो, और मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है? आपका यहाँ पर केवल पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। अस अमन बोरो गेहूँ का नहीं धान का है, ये खरीफ नहीं ये राबी की फसल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया आपको फूड क्रॉप, धान गेहूं मेज मिलेट ज्वार बाजरा रागी, जो हमारे दलहन है चना है तूर अरहर, ये सारे आपके फूड क्रॉप हैं। कैश क्रॉप क्या होता है? जिसको बेच करके आपको तुरंत नगदी मिलती है, जिसे हम कहते हैं नगद फसल। क्या कहते हैं इसको? नगद फसल कहते हैं जिसे बेच करके आपको तुरंत पैसा मिले। जूट कॉटन गन्ना, क्या गन्ने को आप स्टोर कर सकते हैं? क्या गन्ने को रख सकते हैं आप? ये वेट लूजिंग क्रॉप है। क्या होता है ये? इसमें वेट लूज होता है, ठीक है, इसी कारण से इसको आप जितनी जल्दी बेचेंगे आपका वजन उतना ठहरेगा, है ना। तंबाकू ऑयल सीड ग्राउंडनट लिनसीड सीसम, ठीक है, रेपसीड मस्टर्ड, ये सारे आपके कैश क्रॉप हैं। प्लांटेशन क्रॉप आपके हैं चाय कॉफी मसाले कार्डामोम चिली जिंजर टर्मरिक, सारे मसाले ही तो हैं, कोकोनट अर्कानट रबर, ये सारे आपके प्लांटेशन क्रॉप हैं। हॉर्टिकल्चर में आता है आपका फल पीच ऑलमंड स्ट्रॉबेरी वॉलनट मैंगो बनाना सिट्रस फ्रूट वेजिटेबल, ये सारे आपके आते हैं हॉर्टिकल्चर में। क्यों बता रहे हैं सर ऐसा सवाल? कैसा क्यों, कहां पर काम आएगा मुझे ये सब चारों टेबल? टेबल आपको काम आएगा ना जब सवाल पूछेगा यूपीएससी, ऐसे सवाल पूछेगा बताओ इनमें से कौन से कैश क्रॉप्स हैं, इनमें से कौन से कैश क्रॉप्स हैं, गेहूं कॉटन चाय जूट, क्या आंसर है जी? नहीं, हाँ ठीक है चाय हटा दो, गेहूं कॉटन जूट, फिर आपका आएगा यहां पे तंबाकू। तंबाकू गेहूं ये हो गया फूड क्रॉप, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। कॉटन कैश क्रॉप, जूट कैश क्रॉप, तंबाकू ये भी कैश क्रॉप में आता है। बढ़िया जी, हाँ ओडिशा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला सवाल है जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं उनके बारे में, वो फॉर्म होता है वो इंटेंसिफाई होता है, उनके लिए कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल हैं, कौन से कंडीशंस फेवरेबल हैं आपको यहाँ पर ये बताना है कि वहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री से ज़्यादा, दूसरा क्या कोरलिस फोर्स का पावर प्रेजेंस होना चाहिए, क्या वहां पर स्मॉल हो चाहे वेरिएशन वर्टिकल विंड स्पीड का, क्लियर है, क्या वहां पर पहले से एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया बना होना चाहिए, क्या सी लेवल के ऊपर एक हल्का सा डबल होना चाहिए, मतलब क्या विंड डाइवर्ज करेगी तभी तो हवा जाकर के ऊपर फैलेगी, ऐसे बोलना क्या आंसर है यहां पे। हमने क्यों दिया क्वेश्चन आपको? क्योंकि हमने पहले कवर करा दिया है अपने पिछले वीडियोस में ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, जो हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि हमने कवर कराया है आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो
तो 7 बजे सुबह आती है हमारी वीडियो, ठीक है। हमारे किसी भी वीडियो में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, क्योंकि हम वीडियो के शुरू का जो होता है ना 4 मिनट, इसमें हम आपको सारे क्वेश्चन पिछले वाले फटाफट रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि हमने आज कराया ना, आज शनिवार है, शुक्रवार को हमने जो क्वेश्चन कराए थे आपको, कल सुबह वाले क्वेश्चन 7 बजे वाले, सबको हमने शुरू के 3-4 मिनट में रिवाइज करा दिया, है ना। बढ़िया, आप सबने वीडियो शेयर नहीं किया क्या? लाइक किया वीडियो आपने? ठीक है, ये सवाल सिंपल सा है। ये सवाल आपको एनसीईआरटी का जो है ना 11th का फिजिकल ज्योग्राफी, उससे फ्रेम किया गया है। जो 11th का फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उससे ये सवाल फ्रेम किया गया है। ठीक है, मिनी गुप्ता का आंसर है डी। बढ़िया, सही है। राखी साहू, ब्रिजेश भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। सुबह सुबह सोचो 7 बजे हमारी वीडियो आती है सुबह में लाइव, और हमारे सभी दोस्त देखते हैं इसको, काफी बढ़िया। अच्छा, जो सारे वीडियो है ना, सारे जो वीडियो हैं मेरे और सारे जो पीडीएफ हैं, वो सरफेस एरिया होना चाहिए बड़ा सा, जहां से हमको पानी का सप्लाई मिलता रहे, वहां से पानी है ना गर्म होकर के भाप बनेगा। ये जो भाप है, ये जो वेपर है, ये ऊपर उठेगा, ऊपर जाकर के कंडेंस होगा, ठंडा होकर के नीचे आएगा, बारिश होगी, और जैसे ही जाकर ऊपर आएगा ना, इसका जो लेटेंट हीट है वो रिलीज होगा। हीट है, रिलीज हुआ, हवा और गर्म होगी, भाप को और ऊपर धकेलेगी। क्लियर है? देखो यहां पे दिख रहा आपको, पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, चूंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स है, इसीलिए हवा यहां पर चक्कर मारने लग गया। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। कोरियोलिस फोर्स केवल हवा पर नहीं लगता, जो भी चीज मूविंग है पृथ्वी सतह पर, सब पर कोरियोलिस फोर्स लगता है, चाहे वो नदी की धारा हो, चाहे वो आपका समुद्र की धारा हो, चाहे वो आपका कोई गेंद गिर रही है ना आसमान से, वही क्यों ना हो। क्लियर है? तो ये सारा आपका कोरियोलिस फोर्स के एग्जांपल है। हवा तो खैर है ही, कोरियोलिस फोर्स के कारण ही जो मानसून विंड होती है ना, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है ऐसा, और इक्वेटर पास करते ही वो ऐसे आता है। भारत ऐसे ही है ना, यहां पर आपका केरला है, वेस्टर्न घाट है, ऐसे ही तो मुड़ता है आपका मॉनसून विंड। क्यों मुड़ता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण मुड़ता है। कोरियोलिस फोर्स का अभाव होता है इक्वेटर के नजदीक, इसीलिए इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे यहां पर साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि यहां पर हवा घूम ही नहीं पाती। हवा घूमेगी तब ना चक्रवात बनेगा। तो यहां पर चारों जो हमारे पांचों है, ये सही आंसर है, क्योंकि सारे कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के। क्लियर है? बढ़िया, अगला सवाल है सरफेस वेव या फिर एस वेव के बारे में। पता है आपको? ठीक है, सतह तरंगे, सरफेस वेव नहीं, ये तो सेकेंडरी वेव हो गया ना। सरफेस वेव के बारे में सवाल दिया गया है आपको, रुक जाओ, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये सवाल आपका है सेकेंडरी वेव के बारे में, सवाल आपका है सेकेंडरी वेव्स के बारे में। ठीक है, जो सेकेंडरी वेव है ना, उसके बारे में सवाल दिया गया है। सरफेस वेव अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, जब ये सतह पर जाता है तो सतह तरंगों का जो निर्माण है वो होता है। सेकेंडरी वेव के बारे में सवाल दिया है हमने ये वाला,
क्या ये लिक्विड के थ्रू पास नहीं हो सकते, ठीक है, क्या ये डिसअपियर हो जाते हैं 120 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस पे, क्या ये टोटली अब्सेंट होता है अर्थ के कोर में, 1, 2, 3 में कौन सा सवाल सही, जवाब सही मुझे बताइएगा जरा यहां पे, ठीक है। बिल्कुल विक्की सैनी, किसी भी मूविंग बॉडी पर कोरलिस फोर्स लगता है, अगर वो बॉडी स्थिर हो गई, अगर उसका वेलोसिटी जीरो हो गया तो उस पर कोरलिस फोर्स नहीं लगेगा। आकाश बहुत बढ़िया, कोरलिस फोर्स जीरो होता है इक्वेटर पर और पोल पर मैक्सिमम होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, ठीक है। यहां पर आपको लॉजिक लगाना है, यहां पर आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपने ए बी और सी में से कोई चुना है, अगर आपने ए बी और डी में से कोई चुना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सी को चुना है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईश्वर कुमार, आप मुझे मेल कर सकते हैं addsumant@gmail.com पे, यहां पर मुझे मेल कीजिएगा addsumant@gmail.com पे, आपको वहां पर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आपको मैं बताया था कि जो प्राइमरी होते हैं ना, जो आपका प्राइमरी वेव है, ध्यान सुनना चुपचाप, द्वारा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते रहिए क्या कहा जा रहा है, सवाल इस पर काफी सारे आएंगे। हमारा जो सवाल है वो है प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव है, समझते हो क्या प्राइमरी होता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो सकता है, ठीक है। स्पीड इसकी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी वेव जो होता है ना, ये सॉलिड से होकर पास करता है, केवल सॉलिड, सॉलिड ओनली, ये फ्लूइड से होकर पास नहीं करता, मतलब ना लिक्विड ना गैस, चूंकि कोर का आउटर कोर, आउटर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या आउटर कोर से होकर के आपका पास करेगा सेकेंडरी वेव, नहीं नहीं करेगा, आउटर कोर से होकर के प्राइमरी वेव पास कर जाएगा, सेकेंडरी वेव पास नहीं करेगा, क्लियर है। सेकेंडरी वेव का जो स्पीड होता है, स्पीड जो होती है, स्पीड प्राइमरी से कम होती है, क्लियर है। हमने सब बताया है यार आपको, जो प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस वेव एल वेव सब मैंने बताया है, जो है ना वो वाला ज्योग्राफिक एमसीक्यूज, मेरा जो पहला पेपी था उसमें मैंने दिखाया था सब, उसमें कि हमने कौन से कोर्स लॉन्च किए हैं, उसमें एक कोर्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, हमने सब कुछ कवर किया है उस कोर्स में, सब बातें मैंने डिस्कस करी है वहां पर बढ़िया से, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बताओ अगर शैडो जोन, अगर शैडो वाला 103, ध्यान सुनना क्या कह रहा है, इट डिसअपीयर एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 120, अगर ये पहले ही, अगर ये पहले ही 103 पर ही डिसअपीयर हो जाए तो यहां पर तो डिसअपीयर दिखेगा ही आपको, समझ रहे हो बात, अगर ये 103 पर ही डिसअपीयर हो जाए, अगर ये 103 पर ही डिसअपीयर हो जाए तो यहां तो उसको डिसअपीयर ही कहेंगे ना। मैंने क्या कहा था, जो आपको लग रहा है वो यहां पर आंसर नहीं है, आपको यहां पर लॉजिक लगाना है, तो यहां पर तीनों बातें सही हैं, ठीक है। हां, ज्यादा अच्छा होता अगर मैंने कहा होता इट इज नॉट फाउंड एट, इट इज नॉट फाउंड, इट इज नॉट फाउंड एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 120 डिग्री, इट इज नॉट फाउंड, अगर मैं ऐसे लिखता ना तो काफी अच्छा होता, अब ज्यादा क्लियर है ये वाला, क्लियर है। तो यहां पर पहला सही है, इट कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, इट इज नॉट फाउंड एट 120 डिग्री, क्योंकि ये 103 पर ही गायब हो गया ना,
जब 103 पर ही गायब हो गया तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 20, 25 कितना भी हो वहाँ तो गायब ही है सेकेंडरी वेव। यहाँ पर दूसरा सही है, ये कोर में टोटली एबसेंट है क्योंकि आउटर कोर जो था वो लिक्विड था, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, इसीलिए आउटर कोर जो है ना वो लिक्विड है, जो इनर कोर है वो सॉलिड है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है, समझ गए? ठीक है, बढ़िया हो गई बात। जो आपका पी वेव का शैडो जोन होता है ये छोटा होता है एस वेव के मुकाबले। एस वेव पूरा 103 से 103 तक गायब रहता है, मगर पी वेव जो है ना, ध्यान सुनना, अर्थक्वेक के वेव्स ये आपके रिफ्लेक्ट भी होते हैं, ये आपके रिफ्रेक्ट भी होते हैं, इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। अर्थक्वेक के वेव्स का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। क्लियर है? तो आपका एस वेव आपका पी वेव दोनों कर सकता है परावर्तन अपवर्तन। यहां पर पी वेव का अपवर्तन होता है और इस कारण से ये रिफ्रैक्ट होकर के 142 डिग्री पर दोबारा पाया जाता है। तो 103 से 142 जो है ना ये शैडो जोन है पी वेव का। चलिए पहचानते हैं इसे, आप ये कौन है? क्या आप इस जीव को पहचानते हैं ये कौन है? इसे कहते हैं हम लोग ड्यूगोंग। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ड्यूगोंग। इसका उपनाम है सी काउ। क्या नाम है इसका? इसका उपनाम है सी काउ। ठीक है, ये शाकाहारी होता है। ये क्या होता है? ये शाकाहारी होता है, ये वेजिटेरियन होता है। जैसा कि दिख रहा है इसके मुंह में पत्तियां चबा रहा है, ये वेजिटेरियन है। बढ़िया, ठीक है, रामकृष्ण ठाकुर, जब भी अर्थक्वेक आता है तो सारी की सारी वेव्स आती हैं, ये नहीं कि प्राइमरी आया सेकेंडरी नहीं आया। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो सभी की सभी वेव आती हैं, बस उसका आने का जो रफ्तार होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले आपका प्राइमरी वेव फील होगा, फिर सेकेंडरी वेव आएगा उसके पीछे पीछे, है ना। जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी वेव सर्फेस पर आया तो वहां पर सतही तरंगें पैदा हुई, समझ रहे बात? तो अर्थक्वेक जब आएगा तो सारा तरह का वेव आपके वहां पर आएंगे। आकाश पंडित जी, हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ाया है इनको ड्यूगोंग के बारे में। ये हैं आपके समुद्री गाय, सी काउ, ठीक है, ये समुद्री घास खाते हैं। यहां पे हमने क्यों पढ़ा रहे हैं आपको दोबारा इसके बारे में? पहला बात हमको रिविजन कराना है, दूसरा बात ये कि अभी जो आपके हमारे कोस्टल रीजन है भारत के, ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो हमारे भारत के हैं, वहां पर जो सी ग्रास है, समुद्री घास जो है, इस पर थोड़ा सा थ्रेट है। तो यहां पे मैंने इसका जो आवास है ये नष्ट हो रहा है, इसका जो आवास है ये नष्ट हो रहा है, इसका जो भोजन है इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्लियर है बात यहां पे? इसीलिए हमने इस पशु के बारे में जो सवाल है वो आपको दिया है। क्लियर है? ड्यूगोंग का खतरा इतना ज्यादा है कि इसको शेड्यूल वन जो है ना, शेड्यूल वन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके भीतर डाला गया है इसको। ठीक है, चलिए इतना बस समझ लिया आपने। अब आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा। बढ़िया, अगला सवाल है, सवाल आपका है ड्यूगोंग के बारे में। ये एक मैमल है, ध्यान सुनना, ये एक मैमल है जो मिलता है भारत में। क्या ये हर्बीवोर है? क्या ये मरीन है? क्या ये भारत के सारे कोस्ट पर मिलता है? तीसरा, क्या इसको प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के? अब तो आपको सब आता होगा। नहीं, छह तक का अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर, छह का अर्थक्वेक भयंकर नहीं होता, आठ के ऊपर जो अर्थक्वेक आती है ना उसको भयंकर बोलते हैं। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर अगर आठ के ऊपर अर्थक्वेक आएगा तो उसको भयंकर बोलते हैं।
देखो हर्बीवोर तो है, ये मुझे पता है, शेड्यूल वन में रखा गया है, ये आपको मैंने बता दिया है, पहला तीसरा सही है। अब बात ये आती है कि क्या आपको सभी क्वेश्चन मिलता है, ये सभी में नहीं मिलता, ये पूरे कोस्ट पर नहीं मिलता आपका, मेनली जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पल्क बे है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो पल्क बे है वहां पर ज्यादा मिलता है। यहां पर दूसरा गलत हो गया, पहला तीसरा सी इज द करेक्ट आंसर। सोचो अगर ये पूरे कोस्ट पर मिलता तो इसको आवास की कोई दिक्कत होती क्या, इसको आवास का कोई दिक्कत होता क्या, नहीं होता ना। तो क्या आंसर है यहां पे, वन एंड थ्री, पहला तीसरा दूसरा गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये मिलता है सीग्रास बेड है, शेल्टर वाटर है, लगून और बेज में, यहां पर ये आपको मिलता है। अगला सवाल है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, सवाल आपका है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो प्रोविजन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्या वो मेड किए गए थे सामन कमीशन रिपोर्ट में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गठित किया जाएगा, ये वहां पर किया जाएगा कॉन्फ्रेंस, क्या ये बात कही थी सामन कमीशन रिपोर्ट ने। तीसरा, क्या कांग्रेस ने पहला दूसरा सेशन अटेंड नहीं किया था। तीसरा, क्या डिस्कशन जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर, क्या उसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करेगा मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, ध्यान से इसका जो जवाब है वो दीजिएगा। बढ़िया, क्या आंसर है इसका, मिनी गुप्ता सी है, ईश्वर कुमार, रंजीत चौहान, गुलशन आरा, इन प्रवीण, सौरभ, अनुपमा मांझी, अंकिता कुमारी, ठीक है, क्या आंसर है इसका, सिंपल सा इसका जवाब। आपको पता है ना कि कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, पहले में तो भाग नहीं लिया था, पहला बोला कि जाओ नहीं जाएंगे हम, सेकंड में चल रहा था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उस समय, जो इरविन समझौता था वो पास किया गया, इरविन समझौता किया गया, जो इरविन है और गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को। इरविन की खास बात यह है कि इरविन समझौते में जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिश सरकार के समकक्ष होकर बैठे थे, इक्वल बन के बैठे थे, पता है ना आपको। तो कांग्रेस ने सेकंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया ही था, जब वहां पर सेकंड वाले में भाग लेने गए तो गांधी जी को लगा कि यार गलती कर दी, कुछ मिला वाला है नहीं, फर्जी नाम होकर आया था गांधी, है ना, तो सेकंड पार्टिसिपेट किया था, थर्ड में वो खुन्नस में खा के नहीं गए, बोला सेकंड में गए तुमने बुद्धू बनाया हमको, थर्ड में नहीं जाएंगे, जाओ, पहले में नहीं गया था, थर्ड में नहीं गया था, सेकंड में गया था, ठीक है, तो सेकंड में गया था, गया से याद आया, पता है आपको गया क्या है, ठीक है, गया में मिलता है आपको जो बराबर के केव्स हैं, बोध गया का मंदिर है, पता है आपको जो बोधगया टेम्पल है ना, महाबोधि टेम्पल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर जो आपके जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं, देखो ये है महाबोधि टेम्पल। यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है वो समय है सर्दी का, जब आपका नवंबर दिसंबर हो ना उस समय आइएगा, यहाँ पर आपको जो विभिन्न देश आते हैं सैलानी, जापान से, कोरिया से, वहाँ से आते हैं सैलानी, थाईलैंड से, चाइना से, नहीं कोरोना लेकर नहीं आएंगे तब तक सब समेट चुका होगा, ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ पर डायमंड थ्रोन है, यहाँ पर डायमंड थ्रोन है जिसको अशोक ने बनवाया था, किन्होंने बनवाया था, अगर सवाल पूछे आप सर्टन कल्चर में कि जो डायमंड थ्रोन है इसको किन्होंने बनाया था, डायमंड थ्रोन बनाया था अशोक ने उस समय, और ये बोध गया में ही है। सोचो अशोक के काल के बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका ये जो है ना बराबर केव, लोमशेषी गुफाएं, सब हमारे यहां मिलती हैं,
तो जब आप गया आएँ, आपको कुछ काम करना है। पहला काम ये करना है, महाबोधि मंदिर जाना है, ये सब देखना है आपको वहाँ पर, जो बोधे का स्तूप है वो देख लीजिएगा। दूसरी बात आपको ये करना है कि हमारे यहाँ जो वो है ना विष्णुपद, वहाँ पर जाइएगा। जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष मेला लगता है यहाँ पर, वहाँ पर पूर्वजों को पिंड दिया जाता है। कहते क्या हैं कि आत्मा को शांति मिलती है उनकी, तो पिंडदान कुछ ही जगह होता है पूरे भारत में। एक तो हो गया गया हमारे यहाँ, इसलिए इसका नाम है गया जी। दूसरा होता है बनारस वगैरह में भी, ठीक है। तीसरा हो गया आपका बराबर केव, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। क्या सर, टूरिज्म का आपने यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, होना चाहिए जी। देखो, आपको जब पता चलेगा कि हमारे यहाँ धरोहर इतनी सारा है, तभी आप आएंगे ना। बोधगया आने का बेस्ट समय है दिसंबर जनवरी, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि सर्दी के समय में विदेशी यहाँ पर ढेर सारे आते हैं। जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है ना, सब यहाँ पर आते हैं, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। हर साल यहाँ पे जो दलाई लामा हर साल यहाँ पर आते हैं पूजा करते हैं। पता है कौन दलाई लामा, ठीक है। क्या आंसर है इसका जी? इसका आंसर है यहाँ पर दूसरा तो गलत हो गया है ना, आपका यहाँ पर बी चला गया, आपका यहाँ पर डी चला गया, यहाँ पर तीसरा सही है आपका। क्या आंसर है जी? C3 only is the correct answer। एक बार ध्यान सुनना, जो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें बातें शामिल थी नेहरू रिपोर्ट की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो वाइट पेपर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका जॉइंट सेलेक्शन कमेटी, सामन कमीशन रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट। तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे ऐसे, अगर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूं कि इनमें से किन किन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को प्रभावित किया है, इसको इन्फ्लुएंस किया है, आप मुझे दो, नेहरू रिपोर्ट, सामन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1, 2, 3 तीनों सही होगा, तीनों सही है ना, तीनों ने प्रभावित किया है, नेहरू रिपोर्ट, सैमन कमीशन रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट, तीनों चारों ने प्रभावित किया है राउंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसको। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रपोजल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो इरविन समझौते में वहां पर डाला गया था, ठीक है। जो इरविन का समझौता नहीं है, तो बाद में हुआ था, पहला हो गया था ना कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने अनाउंस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर हुआ इरविन समझौता, वहां पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, बढ़िया। एक बात और, जो नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, और यहां पर डोमिनियन के दर्जे की बात की गई थी। क्या किया गया था? डोमिनियन दर्जे की बात की गई थी। इससे क्या हुआ कि नेहरू जी, कौन से, पापा नेहरू नहीं, बेटा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, वो मोतीलाल नेहरू के नाम पे है, पता है आपको, हाँ, चाचा जी के पापा जी, है ना, नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों हो गए खफा, बोले ऐसा है कि हम लोग आज़ादी मांग रहे हैं और आप डोमिनियन का दर्जा मांग रहे हैं, ठीक है, तो इससे वो लोग खफा थे। फिर उन्होंने जो इंडिपेंडेंस इंडिया लिखी, उसकी उन्होंने स्थापना करी थी। क्लियर है, बढ़िया, बिल्कुल, तिलकुट भी खाइएगा, बढ़िया। यहां बताओ, इनमें से किन्हों ने तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अंबेडकर, लाला लाजपत राय। 1, 2, 3 में से किन्हों ने तीनों को अटेंड किया था? अली जिन्ना, अंबेडकर, लाला लाजपत राय, ठीक है, सिंपल सा है। जो अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी को दलितों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना था। गांधी जी के कारण पहले ही पूना जो पैक्ट है साइन हो चुका था। पूना पैक्ट के कारण जो स्पेशल इलेक्टोरेट दिया गया था दलितों को, उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट में बदल दिया गया था। इससे दलित को जो आरक्षण दिया गया वो पूरा डाइल्यूट हो गया, उसको कोई मतलब ही नहीं रहा। अंबेडकर जी ने बाद में कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि मैंने जो पैक्ट है साइन किया, मैंने गांधी की बात मानी, मुझे नहीं माननी चाहिए थी उनकी बात, मगर गांधी हैं, उनकी बात का वजन है, इसलिए उनको झुकना पड़ा था। यहाँ पे अंबेडकर जी ने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले में और दूसरे में किया था।
लाल लाजपत राय जी ने तीनों में से किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, सी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़िया, मजा आया आपको। अभी आपको पता है कि हम लोगों ने जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए हैं आपके लिए, हमारे अभी मेनली दो कोर्स चल रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कोर्स है हमारा वो साइंस एंड टेक का है, आपको बताया था मैंने, यहाँ पे मेन हमारा कोर्स है साइंस एंड टेक का। ऐसी क्लास शाम को होगी आज, कल क्लास होगी आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। यहाँ पर आपको करंट और स्टैटिक दोनों कवर किए जाएंगे बहुत ही विस्तार से। करंट हम लोग पूरा कवर करेंगे, स्टैटिक के वो टॉपिक जो आपके न्यूज़ में आए हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो मैंने कहा था ना, हमने कवर किया था अर्थक्वेव्स के बारे में, सब कुछ कवर किया है हमने उसको जी। जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने से कवर किया है पूरे तरीके से। फिर एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, दोस्तों ये कोर्स पूरा हो गया है हमारा, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी अभी ज्वाइन करेंगे तब भी आप मेरे सारे लेक्चर पिछले वाले देख सकते हैं। मेरे ही क्या, जो भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे यूपीएससी के लिए, उन सभी को आप देख पाएंगे अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिएगा और जो स्क्रीनशॉट है मुझे भेजिएगा इस ईमेल आईडी पर, तुरंत आपको हमारा जो ग्रुप है ना उसमें हम आपको ऐड करेंगे। आपका जो पूरा प्रिपरेशन होगा, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, आपका आंसर राइटिंग इवोल्यूशन, सब हम लोग वहाँ पर करेंगे साथ में। आपके साथ जो सिंसियर लोग हैं उस ग्रुप में, केवल सिंसियर लोग हैं उसमें, कोई भी फालतू लोग नहीं है, केवल हम वहाँ पर जिस लोग हैं वहाँ पर, वहाँ पर मिलिएगा, हम लोग वहाँ से बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं इसके बाद कल 12 बजे। कल 12 बजे फिर से क्लास होगी आपकी मॉक टेस्ट मैराथन की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।